जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, दिल्ली में हो रही पाइपलाइन काटने की साजिश, पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए हो रहा है ये षड्यंत्र। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासत तेज हुई, बीजेपी ने आज फिर किया प्रदर्शन, धरने पर बैठे कार्यकर्ता, मटका फोड़ किया विरोध। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, पाइपलाइन काटने की हो रही है साजिष, पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र है ये, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का दिल्ली सरकार पर पलटवार, बोला केंद्र से मिल रही है पूरी मदद, पानी वेस्ट होने की वजह जनता त्रस्त है। जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर के गृह मंत्री शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। बिहार में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने ईओयू की नहीं दी है प्रश्न पत्र की कॉपी, ईओयू की जांच में हो रही है देरी, पुलिस को मिले थे जले हुए प्रश्न पत्र। कल नहीं हो पाई संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, आज मुलाकात करने पर भी सस्पेंस। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन ने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस्तीफा किया मंजूर, पार्टी के कुछ फैसलों से चल रहे थे नाराज। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का आरोप, मोदी शाह टीडीपी को तोड़ेंगे, कहा चंद्रबाबू स्पीकर का प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो इंडिया गठबंधन करेगा समर्थन। बकरीद को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रशासन से अपील, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी जारी रहेगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन, सीटों के बंटवारे पर जल्द हो सकती है बात, 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सियासी पारा हाई है, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने दिखाया अपना असली चेहरा। तेलंगाना के मेरठ में विरोध रैली के दौरान हंगामा, हिंदू संगठनों पर बरसाए गए पत्थर, युवक पर चाकू से हमले का भी आरोप है, हिंदू संगठनों ने भी जवाब में तोड़फोड़ किया। उज्जैन में सट्टे का मास्टरमाइंड पीयूष चोपड़ा गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी, 9 साथी पहले किए जा चुके हैं गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए करीब 15 करोड़ रुपए। बिहार के बाढ़ में हादसा हुआ, गंगा नदी में नाव पलटने से करीब 17 लोग डूबे हैं, लोगों को पानी से निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा नदी में लगा रहे आस्था की डुबकी, सुबह से ही भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बिहार के बेगूसराय में बढ़ा गर्मी का खतरा, लू लगने से एक मजदूर की मौत हुई, सड़क बनाने का काम कर रहा था मजदूर। झारखंड के सिमडेगा में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा, कई जगह पेड़ गिरे। महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन का मामला, नाबालिग कार से 5 लोगों को टक्कर मारता नजर आया, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने। गाजियाबाद में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, ट्रैक और कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की जान गई, करीब 18 लोग घायल हुए, कंटेनर में मौजूद थे 35 लोग। चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी है, हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु, मची चीख पुकार। दिल्ली से सहारनपुर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हुई, युवकों की नहीं हो पाई है पहचान, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। महाराष्ट्र में यवतमाल में घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट हुआ, आग में घर का सामान जलकर खाक। नैनीताल में लगा पर्यटकों का जमावड़ा, गर्मी से बेहाल लोग नैनीताल का कर रहे हैं रुख, पर्यटन की संख्या बढ़ने से कई जगहों पर लंबा जाम। Z News.